था एक्स वाई जेड के साथ, वहां पे भी डिस्कॉर्ड पे ग्रुप बना के मुझे गालियां दी गई माँ बहन की। मैं ऑन स्ट्रीम बोलता हूँ, मैं उसके ऊपर लीगल एक्शन लेने वाला हूँ। तो भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। हेलो गाइस, दिस इज चीटो मैन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बहुत मेहनत करके रोज 6 घंटे स्ट्रीम करता है ताकि वो एक ऐसा गेम खेल सके जो कंप्यूटर के लिए बनाई, जो मोबाइल के लिए बनाया है, और उसमें बॉट्स मार सके और मोबाइल प्लेयर्स को मार सके। वही जो यस गाइस, वो एक ऐसा रिकॉर्ड ढूंढ रहा है गेम में जो कि अभी तक है नहीं। कहते हैं ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, क्या पता उसे ही मिल जाए। तो भाई लेकिन उससे पहले मैं आज एक ऐसे नूबड़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो चीट्स को ग्लिच में कन्वर्ट करता है और फिर बकचोदी आ देता है। तो मैं हैकर हूँ, तो मेरे लिए भी बोला गया ये भोसड़ी वाला है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये वही भोसड़ी वाला जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। पर मैं तुझे बताना चाहता हूँ चूतिया बीबी जे, तू साले चीटर बोला मैंने टाइटल में, ना कि हैकर। जो तूने दिखाया ना उसमें चीटर बोला है मैंने तेरे को, नुबड़। तो भाई लोग मैंने सोचा था कि इसका आपको दिखाऊंगा नुबड़ बनती है और उसे छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, इसने उसको ग्लिच में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो इसकी मारना तो बनता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसकी असलियत। कोई बंदा ग्लिच पे इतना प्राउड फील होके अपनी लाइव स्ट्रीम में किसी को गाली नहीं देगा और बाद में ये नहीं करेगा। माउस देखो कौन सा वाला है, ठीक है ये वाला है, ठीक है ये लॉजिटेक का नहीं है, इसमें मैक्रो नहीं लगता। अब देखो मिनी चला के दिखाता हूँ तुम्हें स्पीड मिनी के। ठीक है ना? देखो भाई लोगों, तुमने ऐसा ग्लिच तो सुना होगा कि घर गायब हो गया, पेड़ गायब हो गया, गर्दन गायब हो गई, गांड गायब हो गई, लेकिन ऐसा ग्लिच कभी नहीं सुना होगा कि रिकॉइल गायब हो गया। ठीक है, पर जब इसने दिखा दिया तो भाई प्राउड क्यों हो रहा है इस पे? चलो ये तो लाइव स्ट्रीम का प्राउड था, इसकी प्राउडनेस थी लाइव स्ट्रीम पर। अभी मैं दिखाता हूँ जब प्राइवेट में हम इससे बात करने गए इस बारे में, तो बंदा क्या कहता है, शर्तें लगाता है। मैंने एक एम तेरे सामने जैसे तू गएगा, ठीक है, और एक एम में मैंने 20 मीटर में अगर ऐसा ही दिखा दिया बिल्कुल स्ट्रेट, तो अब काहे को गांड फट गई, अब काहे को ग्लिच ग्लिच बोल रहा है तू? जब इतना कॉन्फिडेंस तुझे जब था कि मैं ऐसी चला के दिखा सकता हूँ बिल्कुल ऐसी, तो भाई अब काहे को बोल रहा है कि ग्लिच हो गया, वो अपने आप चल गई, अब क्यों नहीं है रिकॉइल कंट्रोल तेरे में? अब क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है गेम मिनी? भाई आप लोग ही बताइए, पहले बंदा कहता है ग्लिच है और असलियत में कहता है कि मैं ऐसी रिकॉइल कंट्रोल करता हूँ शान में, है ना? तो भाई तू इतना मिसलीड करते हो तुम लोग व्यूअर्स को अपने, ये बंदे सारे लाइव स्ट्रीम पर कुछ और है और असलियत में कुछ और है। एक भाई मेरे व्यूअर है, मैं नाम बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आपको पता है, लेकिन उन्होंने मेरे को एक क्लिप भेजा है जिसमें वो टिक मार्क लगाते तो चीट ऑन हो जाता है और टिक मार्क हटाते तो चीट ऑफ हो जाता है, वो है चाइनीज चीट्स होते हैं। ठीक है, उसमें आप रिकॉइल आप इनका कंपैरिजन करिए, इसकी एक गेम का चूतिया की और उस गेम प्ले का। ठीक है, अभी आप खुद ही देखिए। तो भाइयों मैंने अभी आपको दिखाया वो रिकॉइल, जब ये टिक मार्क जो दिख रहे हैं ये इनेबल्ड नहीं थे, पर जब ये एनेबल्ड हो जाते हैं तो रिकॉइल कुछ ऐसा दिखता है। और हाँ, ये चीजें स्ट्रीम पर नहीं दिखती जैसे कि इस वीडियो में दिख रही है, पर स्क्रीनशॉट लेने पर दिखी। तो मेरे भाइयों आपने देखा अभी रिकॉइल पैटर्न जो कि टिक मार्क्स एनेबल करने पर हो गया। अभी आप ही कंपेयर कीजिए इन दोनों को, अगर आप गौर से देखें तो दोनों इस पर बिल्कुल आपको एक जैसे ही लगेंगे, क्योंकि भाई इसमें लेवल्स भी होते हैं, पता है आपको, जितना आपको गन को रोकना है उतना आप रोक सकते हो इन चीजों में, चीट्स में, सब में ये लेवल्स भी होते हैं। प्लस बंदा खुद कह रहा है कि मैं दोबारा करके दिखा सकता हूँ, तो क्या देगा भाई, इतना कॉन्फिडेंस किस होता है ग्लिच पे कि बहन जो पता है कि मेरे साथ दोबारा हो जाएगा ये ग्लिच? नहीं भाई, मैं नहीं मानता, ना आप मानो, चूतिया मत बनो मेरे भाइयों, चूतिया मत बनो। मैं सोच रहा था रहने दो, लेकिन नहीं भाई, ये नंगे लोग हैं, इनको नंगा मैं करूंगा अब। और तो भाई तुम देखो, क्रॉन्टन भी कहता है कि ये चीट करता, मानता है वो? हाँ ये बंदा हैक करता है, जैसे तूने वीडियो में दिखा दिया। हाँ चल भाई ये हैक, हमें भी लगता है कि हाँ भाई उसमें रिकॉइल नहीं है, हमें खुद बोलता हुआ है मैंने। क्रॉन्टन चूतिए से याद आया कि वो बंदा इसकी आईडी दिखा रहा है कि अनबैन हो गई है, ये आईडी बीवीजे का बैन हुआ था, ये अनबैन हो गया गाइस। तो चलो क्रॉन्टन पर आते हैं, खुद ही देखो ये लाइव स्ट्रीम पर क्या है और असलियत में क्या है। खुद ही मानता है कि हाँ मैं मानता हूँ रिकॉइल चीट करता है, वो जो भी कर रहा है रिकॉइल है नहीं है उसमें गन में, और खुद ही बहन चोद दिखा रहा है अपने शान बढ़ाने के लिए कि देखो ये अनबैन हो गई, ये भी मेरी वजह से हो गई है। अरे अनबैन से याद है, बहन चोद कोई लीगल एक्शन ले रहा था मेरे ऊपर, अगर ट्यूजडे तक आईडी अनबैन नहीं हुई तो मैं बस उन लोगों को वार्न कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बोल रहा तुम वीडियो डिलीट बिल्कुल मत करो, बस अगर मंडे को आयुष की आईडी अनबैन हो गए, ओले ओले ओले, अब तेते लंदा मैं लीडर लेतन, क्योंकि मेरे दोस्त की आईडी तो अनबैन हुई नहीं क्योंकि वो टीम अप करता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करता है, मैं नहीं बोल रहा, और जो दुनिया की क्या क्या चीज करता है ये क्रॉन्टन बोल रहा है। सुनो, वो बोले कि उसकी आईडी अनबैन हो नहीं हो सकती, उसने थर्ड पार्टी ऐप यूज करा था, जीएफएक्स और पता नहीं क्या क्या थे,
तो यही रीजन था उसकी आईडी बैन हो गई थी और टीमिंग। तो भाई सुनो, अगर आपकी आईडी कभी भी बैन हो जाती है चीटिंग करने की वजह से या फिर किसी भी कारणवश, तो क्रॉन्टन के पास जाइए, वो आपकी आईडी अनबैन करा देंगे। भाई ये बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, इनको पब्लिक का इतना 1 मिलियन वाला सपोर्ट, पता नहीं कैसे है, चूतिया बना बना के इन्होंने ले लिया। तो भाई कम्युनिटी मैनेजर के पास इनका पावर है, तो ये उनसे कहते हैं आईडी अनबैन करा देते हैं। साला कोई भी कुछ भी कर रहा हो, इन्होंने कैंसर फैला रखा है। अगर मैं उन्हें बोल देता तो वो अनबैन भी कर देते काइंड ऑफ। इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा है कि मैं चाहूं तो आईडी अनबैन करा दूं, मैं तो कौन है, कोई पूछता भी है इससे कि क्यों भाई तू क्यों करा देगा। श्राउड ने कही थी ये बात, मैं चाहूँ तो अनबैन करा दूं। श्राउड ने कहा था मैं चाहूँ तो नया अकाउंट ले लूं, पर मैं नहीं खेल रहा इस गेम को, जब वो बैन हुआ था टीमिंग के लिए। और टीमिंग के लिए तो इसका हुआ भी नहीं, साफ साफ कह रहा है GFX टूल और पता नहीं कौन कौन से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। आप भाई जानो भाई, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में हर चीज आ जाती है, चीटिंग भी आ जाती है जो मैंने अभी दिखाई थी। भाई इतना चूतिया बना रहा है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में GFX टूल नहीं आते, सिर्फ चीटिंग एप्लीकेशन भी आते हैं। इससे श्योरिटी नहीं है भाई अभी तक, पता नहीं क्या यूज कर रहा था। और ये चाहे तो अनबैन करा देता, पता नहीं इसने किस किस का करा दिया होगा भाई, ये धड़ल्ले से यूज करते होंगे यार ये। वरना क्या कैसे रहा है कि मैं चाहूँ तो अनबैन करा दो, तो कौन है, है? है जो कैंसर फैला रखा है तुमने तो यार। मैं आपको अगर वो वीडियो सुनाऊंगा ना, आप इतना गुस्सा हो जाओगे। मुझे वहां पे उसके जो भी है, मुझे गालियां दिया, मुझे बैन कर दिया। अभी आप ही बताओ, ये मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में आया कि मैंने तेरे पर वीडियो बनाया, तू मेरे पर वीडियो बना या ऑफिशियल रिप्लाई दे, कुछ भी कर भाई, मेरे सर्वर में काहे को आता है तू? क्यों आया तू मेरे सर्वर में गाली सुनने के लिए? तुझे पता है ये बंदा देगा, फिर भी मैंने नहीं दी इसको उस टाइम। अभी मेरे 600 सब्सक्राइबर्स थे, ये इतने सारे बंदे आए, इन्होंने मुझे गाली देनी चालू कर दी है। मैं मतलब ये जब भी कह रहा हूँ भाई, मेरे लोग मेरे माँ बहन को गाली दे रहे हैं तो कुछ कर, तो कहता देंगे। तो गाइस इंडिया में इंटॉलरेंस का बहुत चक्कर है, पर चक्कर जब समझ आता है ना, जब सामने वाले की गलती ना हो और दूसरा आदमी फालतू में घुस जाए। अभी अगर सामने वाला किसी की माँ बहन को गए और वापस से पलट के उसकी माँ बहन को आए, तो भाई उसकी बड़ी गाड़ी चलती है। तो देखिए, जब मैंने चूतिया नूबड़ का अपने वीडियो में सबसे पहले जिक्र किया था, तो मैंने इसको भाई कॉल किया था, ठीक है, मैंने भाई कहा था इसको, और गॉड लाइक क्लैन क्रॉन्टन भैया जी का। अब क्रॉन्टन भैया जी तो हैक नहीं करते, इस बंदे को मैंने साफ साफ कहा ये चीट नहीं करता, इस बंदे को मैंने साफ साफ कहा कि क्रॉन्टन भैया। और इस बंदे ने आधे घंटे की स्पीच अपने व्यूअर्स के सामने, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के सामने दे दी, जिसकी वजह से वो मेरी माँ बहन को आके गाली देने लग गए और मैंने इससे ये कहा। हाँ बताओ भाई, वीडियो में से तुम्हारा नाम जाएगा, पर तुम्हें भी अब एक स्ट्रीम में अब ये सॉरी बोलना है कि बंदे ने वीडियो सही बनाया पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो तुम भी यार। इतने बंदे मुझे आके माँ की बहन की गाली दे रहे हैं भाई, तू बता अच्छा लगता है क्या? गलत भाई तो देंगे। अबे वो भुकलंड, तू क्या चाहता है कि तू मेरे सर्वर में आए, मैं तुझसे फिर भी भैया भैया करके बोलूं? पहली वीडियो में तुझे गाली नहीं दी, भैया भैया करके बोला, मैं कहूँ मेरे माँ बहन को गाली पड़ी है कुछ करो, तो कहता नहीं देंगे, धमकी दे तू मेरे को, बदमाशी दिखाए साले, बदमाशी दिखाएगा तो मैं तेरी औकात दिखाऊंगा। जैसे इस बार सर्वर में आया था, तेरी गांड बलात मार के तेरी गाली देके भगाया ना मैंने, तो दोबारा बहन चो तेरी गांड मार लूंगा मैं, कह रहा हूं मैं तो दोबारा दूंगा बहन चो, आ जा मेरी माँ बहन के बारे में नहीं सुनूंगा मैं, समझा? माई है बस मेरे पास, सुनूंगा नहीं कि मैं किसी से भी साले। अगर तू लोगों को मैनिपुलेट करेगा, बदमाशी दिखाएगा कि मेरी माँ बहन को आके गाली दो, हाँ देंगे, अगर तेरे पे कुछ भी तेरी सच्चाई भी दिखाओ तो भी देंगे, तो भाई इतनी बदमाशी सहन नहीं करता मैं, गांड में कूदा रख फिर इस साले, सुने नहीं है तो भोसले के मैदान में मत कूद, जब गांड में नहीं है कूदा तो मैदान में काहे को कूदा? हमने गाली बकी हमने तेरे को, एक भी बंदे ने मार्क तक क्या साला भी नहीं बोला, बोल अब तू बता तेरे बंदे पता नीचे क्या बोल रहे, वो गैंग अप कर रहे हैं, हमने तेरे गैंग अप करा भाई, तेरी सुन रहे हैं ना, बुला ले भाई कितने ही बुला ले, मैंने उनसे भी ये बात उस टाइम में फिर भी इससे तमीज से बोला, मैंने कंट्रोल करा गुस्सा, लेकिन जब अगली बार ये डिस्कॉर्ड में आया ना मैं चो, तो मेरा दिमाग घूम गया भाई, दिमाग घूम गया, सब कुछ याद आ गया, औकात गंदगी माँ बहन को देंगे गाली, भाई मैं नहीं सुन पाया, मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से, मेरे व्यूअर्स से, कि भैया मुझे माफ करो, मैं गंदा इसके लिए शब्द यूज करा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसे कीड़े के लिए गंदा शब्द यूज करना भी, लेकिन भाई मैंने देनी पड़ी, नहीं हो यार कंट्रोल, लड़का हूँ यार ऐसे थोड़ी बेंचो। और ये सब इसलिए हो रहा है, पता है क्या गलती है मेरी, कि मेरे पे इतना अच्छा मतलब फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है कि मैं बेंचो इतने बड़े बड़े 1.5 लाख के पीसी लेके मोबाइल का गेम एक खेलूं उस पर और पब्लिक का चूतिया बनाऊं कि मैं आप लोगों के लिए खेल रहा हूं। क्या इंडिया में 50,000 लोग भी नहीं है जिन पे कंप्यूटर नहीं है, ये उनके लिए स्ट्रीम नहीं कर सकते? अभी भी तो 50,000 वॉचिंग आती है इनकी एवरेज, बताओ। स्नैपचैट के सीईओ ने कह दिया था एक बार कि इंडिया गरीब देश है, ये साले रोज अपनी स्ट्रीम पर यही बात कहते हैं कि सबके पास पीसी नहीं है, 50,000 लोगों के पास पीसी नहीं है क्या?
और मेरी ये गलती है कि भाई मैं दोस्तों से मांग मांग के बेइज्जती करा करा के अपनी पीसी गेम से स्ट्रीम करता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि अगर एक बंदा भी मेरे इधर स्ट्रीम देखे और उधर कहीं अच्छे पीसी गेमर के पास जाए तो भाई उन्हें यूं ना कहे कि तू नूबड़ा है, क्योंकि इतना आसान नहीं होते पीसी गेम्स। बस इसलिए एक बंदा तो इंस्पायर हो, ये गलती है मेरी। मेरी माँ बहन को कहा जा रहा है कि तेरे को माँ बहन को गाली पड़ेंगी, है ना? मैं क्यों? क्योंकि इसकी सच्चाई दिखा दी तुम, ये साले अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं, इनकी सच्चाई दिखा दी मैंने, इसलिए मेरी माँ बहन को गाली पड़ेंगी। ठीक है, मैं पीसी गेमर्स को सपोर्ट करने के लिए साला अपना चैनल तक डिलीट कराने को तैयार हूँ, इसलिए गाली पड़ेंगी मेरे को, है ना? मैं चाहता हूँ कि इंडिया से भी श्राउड निकले और इंडिया से भी जस्टिन जैसे प्लेयर निकले, ये मेरी गंदी हरकत है, यही है ना मेरी गलती, बस और कोई गलती नहीं है भाई। मैं चूतिया नहीं बना रहा पब्लिक का, यही गलती है, इसलिए 1 मिलियन वाला 600 सब्सक्राइबर पे गांड में उंगली कर रहा है फालतू की, क्योंकि उसकी औकात दिखा दी मैंने, ये गलती है मेरी और कोई गलती नहीं है। मेरे पे बनाओ वीडियो, बनाओ वेंचो, मैं बदतमीज हूँ, गंवार लोग मुझे कह रहे हैं गंवारू गाँव का हूँ। बेटे अच्छे अच्छे लोग ना पढ़े लिखे जितने भी आई एस पी सी एस होते हैं गाँव से निकलते हैं, पता है तुम्हें? गाँव का है, गंवार है हूँ मैं भाई, गाँव का, सच्चाई दिखाऊंगा, कुछ भी कर ले, और तुझे नहीं छोड़ने का वेंचो, तुझे नहीं छोड़ने का, साले गाँव का हूँ या कैसा भी हूँ, एक बंदा अकेला बहनचोद कितने हो रहे हो तुम, साला सबको झेल लूंगा ऐसी कि तैसी तुम्हारी। इसने सोचा अकेला बंदा है, 600 सारे सब्सक्राइबर हैं, इसके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन अब मेरे पास जो सपोर्ट है ना भाई, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस चीज का। ये सोच रहा है ऐसी पेल देगा भाई, तो छोटा यूट्यूबर है, हम बहनचोद 1 मिलियन वाले, तो भाई ऐसा है, गलत भाई से पंगा ले लिया तुमने भी। मेरी माँ बहन के ऊपर ऐसे 100 चैनल कुर्बान है, समझा, और मैं खुद भी कुर्बान हूँ, तो ध्यान रखियो एक सेकंड में हो जाता, तू बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता, तू जो बोलता है तो वो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन मैं बोलने से पहले सोचता भी हूँ और जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ। और मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि अगर तूने अब बकचोदी फैलाई तो लीगल एक्शन तू ले ना ले भाई, मैं तो जरूर लूंगा। तो मेरे भाइयों मैं चलता हूँ, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय फ्रॉम चीटो मैन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार अपना सपोर्ट रखो, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है। तो बाय बॉयज, हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। और भाइयों हमारा कम्युनिटी ऐप खुल चुका है, ठीक है, तो मैं उस पर रोज लिंक्स डाला करूंगा, मीम्स डाला करूंगा, पोस्ट डाला करूंगा, तो भाई आप उसे चेकआउट करते रहा करना, और जिनके मैं लिंक्स डालूंगा प्लीज आप उनकी हेल्प भी करना, दे आर वेरी ऑनेस्ट। समझ रहे हो आप मुझे क्या कहना है, हम ओनली विंस के लिए खेलेंगे, ओके? हाँ, परसों तो है एमुलेटर का ESL इंडिया में। It is called Adaptive Performance to enhance the gaming experience, and Galaxy S10 is the first smartphone optimized to work seamlessly with the Adaptive Performance feature. So that sounds like कि तू अभी भी एमुलेटर पर ही खेलेगा।